भाजपला मतदान करणाऱ्या एमआयएमच्या नगरसेविका शेख यांच्यावरती एमआयएम पक्षाकडून निलंबनाची कारवाई करण्यात आली. सोलापूर महानगरपालिकेच्या विशेष समित्या सभापती निवडीत भाजपला मतदान केल्याची कबुली व्हिडिओद्वारे देणाऱ्या एमआयएमच्या नगरसेविका तस्लीम इरफान शेख यांना एमआयएम पक्षातून निलंबित करण्यात आले आहे. महाराष्ट्र एमआयएमचे कार्याध्यक्ष डॉ अब्दुल कादरी यांच्या आदेशानुसार ही कारवाई केल्याची माहिती शहराध्यक्ष फारूक शाब्दी यांनी शुक्रवारी पत्रकार परिषदेत दिली. पार्टी का आदेश नहीं होने के बावजूद पार्टी का प्रोटोकॉल तोड़ते हुए हमारी नगर सेविका है जो 2017 इलेक्शन में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के चुनाव चिन्ह पर एमआईएम पार्टी से इलेक्शन लड़कर चुन के आए थे, जिनका नाम है तस्लीम इरफान शेख. इन्होंने खुद एक वीडियो के जरिए अपना कबूलनामा दिए थे कि उन्होंने कोई भी एक्स वाई जेड रीज़न की वजह से भाजपा को क्रॉस वोटिंग किए, जिसकी वजह से बीजेपी का उम्मीदवार विजयी हुआ. तो ये सारी जो भी माहिती हम लोगों ने हमारे आला कमान हैदराबाद में हमारे पक्ष प्रमुख बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को बताए और हमारे सोलापुर जिले के निरीक्षक अनवर सादात साहब को बताए और वहाँ से फिर उन लोगों ने चर्चा की इम्तियाज जलील साहब से और महाराष्ट्र के वर्किंग प्रेसिडेंट डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी साहब से. तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए वहाँ से अभी हम लोगों को एक ऑर्डर आया है जिसमें ये लिखा गया है कि ये जो नगर सेविका थी जिन्होंने क्रॉस वोटिंग करते हुए पार्टी का प्रोटोकॉल को छोड़ा, हालांकि हम लोगों को तो न्यूट्रल रहने का ही हुक्म था, लेकिन कुछ जैसे कि आप लोग जानते हैं कि काफ़ी दिनों से एमआईएम पार्टी में कुछ गुटबाजी चल रही है, कुछ लोग अलग अलग जा रहे हैं, कुछ अपने मनमानी काम कर रहे हैं. तो ये उसका पहला रिजल्ट मैं आपको बोलूँगा कि मोहतरमा तस्लीम इरफान शेख को आज एमआईएम पार्टी की तरफ से मैं फारूक शाब्दी सोलापुर शहर का शहर व जिला अध्यक्ष होने के नाते मैं आज ये ऐलान कर रहा हूँ कि इनको पक्ष से हम लोग निलंबित कर रहे हैं, जिसका ये लेटर है और ये एक लेटर मेरी तरफ से भी है और एक लेटर डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी साहब से भी आया हुआ है जो महाराष्ट्र प्रदेश कमेटी के वर्किंग कमेटी के अध्यक्ष हैं. ये लेटर है. तो आगे से मेरी आप लोग से ये विनती है कि ये जो निलंबित की हुई नगर सेविका है, ये जो भी एसएमसी में जो भी इनका एक्शन होता है या जो भी कदम उठाती है, तो कृपा करके इनको एमआईएम की नगर सेविका ना बोले. इनका जो भी फैसला होगा ये इनका जाती फैसला है, इनको एमआईएम की नगर सेविका ना बोले, क्योंकि आज इनको निलंबित किया गया है.